नादरीन, हम दुनिया के अंदर बड़े बड़े हादसे देखते हैं और बड़े बड़े बुरे फैसले देखते हैं और दुश्मनों की हंसी देखते हैं, दुश्मनों का मजाक उड़ाने देखते हैं। तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है जिंदगी में। कितने ऊंच नहीं चाहते हैं, कितना नशेब फराज आता है, कितने बदबख्ती वाले मामलात सामने आते हैं, परेशान हो जाते हैं और हम दूसरों से शिकायतें शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसी सूरत में, ऐसे हालात में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ सिखा रखी है, उस दुआ का जरूर एहतमाम करें। चलिए देखें अल्लाह के रसूल ने क्या दुआ सिखाई है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन जहदिल बलाई व दर्किश शकाई व सूइल क़ज़ाई व शमातिल अअदा। जिसका मतलब, ऐ अल्लाह, मैं आपकी आजमाइश की मशक्कत, बदबख्ती आने, बुरे फैसले और दुश्मनों की खुशी से पनाह चाहता हूँ। कितनी प्यारी दुआ है। इंसान के दर्द को लाकर रख दिया जा रहा है, इंसान को पेश आने वाले सारे तकलीफदा मामलों से बचने की दुआ की जा रही है। नादरीन, इस मौके को गनीमत समझें। कोई आपको सुनाने वाला भी है, इस पर अल्लाह का शुक्र बजा लाएं। कोई आपको बताने वाला भी है, इस पर अल्लाह का शुक्र बजा लाएं। इस दुआ को आज याद करें, फिर दुआ सुनें। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन जहदिल बलाई व दर्किश शकाई व सूइल क़ज़ाई व शमातिल अअदा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम तमाम को इन सारी बुरी बातों से महफूज रखे। आमीन। हमें भी, हमारे दुश्मनों को भी, हमारे दोस्तों को भी, सभी को इस तरह की मुसीबतों से महफूज रखे। आमीन।